सब्सक्राइब कीजिए स्टार्स ब्रेकिंग न्यूज चैनल को, दबाएं इस बेल आइकन को लेटेस्ट बॉलीवुड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आपने ये दौर देखा जब आप मेंटली बहुत परेशान थी, हालांकि आप बीच में कैंसर से पीड़ित थी और उससे आप उभर कर आई, तो उस फेज के बारे में कुछ बता सकती हैं जब मेंटली आप डिस्टर्ब? हाँ देखिए, उतार चढ़ाव हर एक की जिंदगी में आता है और मेरे लाइफ में भी आया। और पहले जब आता था तो मैं प्रिपेयर नहीं थी, लेकिन अभी भी आता है, लेकिन अभी मुझे टूल्स मालूम है, अभी मुझे मालूम है क्या करना चाहिए, सो आई कैन राइट थ्रू स्मूथली इन द टफ फेजेस। This is the most normal thing, is to feel sad or depressed. लेकिन हमारे सोसाइटी में उसको टाबू कर देते हैं और सब, क्योंकि जैसे ये कह रहे थे कि सोशल मीडिया में और इंस्टाग्राम में सब लोग इतना खुश दिखते हैं, सब लोग अपने इतना परफेक्ट दिखते हैं, तो मतलब कोई दुखी है और कोई सैड है, डिप्रेस है, तो लगता ही अब नॉर्मल है। ऐसा कुछ नहीं, आई थिंक इट्स द मोस्ट नॉर्मल थिंग। एंड इन टूडेज टाइम, टूडेज चैलेंजिंग डेज, द काइंड ऑफ स्ट्रेस लेवल, द काइंड ऑफ एंग्जाइटी वन हैज, आई थिंक इट्स द मोस्ट कॉमन थिंग। इट्स गुड टू एक्सेप्ट दैट, इट्स गुड टू टेक हेल्प व्हेन यू हैव एन इश्यू, एंड डू नॉट बी अशेम्ड अबाउट इट, बिकॉज टुडे एवरीबडी इज गोइंग थ्रू दैट, एंड जस्ट गेट हेल्प। मनीषा, एक और सवाल इससे हटके, एंड अकॉर्डिंग टू द WHO, 4 आउट ऑफ 10 पीपल इन द वर्ल्ड आर डिप्रेस्ड, यू डोंट फील शाय। या लाइक टुमारो व्हेन माय फादर डाइड, आई एम नॉट एक्सपेक्टेड टू बाकरा आफ्टर दैट, राइट? आई एम सपोज्ड टू बी डिप्रेस्ड, समथिंग डजंट वर्क फॉर मी, आई गेट डिप्रेस्ड, सो वी जस्ट लर्न हाउ टू डील विद दैट। एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक गिव हर अ बिग हैंड।